so good afternoon everyone uh, today we will be talking uh, about minimum inhibitory concentration and uh, how can it be utilized in clinical practice so um, when we talk about mic or minimum inhibitory concentration uh, what do we understand what is the normal understanding of you all for mic or minimum inhibitory concentration क्या क्या समझ आता है जब भी कोई बोलता है एम आई सी तो क्या समझ आता है एम आई सी ऑफ एन एंटीबायोटिक सेमिबिट्री कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अबाउट किलिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ द बैक्टीरिया मिनिमम इनिबिट्री कॉन्सेंट्रेशन इज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिज्म एंड द डिटर्मिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ विजन आपको जो दिख रहा है तो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन जब डिटर्मिन की जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ विजुअलाइज की जाती है जिसमें कि हम डबलिंग डाइल्यूशन में एंटीबायोटिक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं एंटीबायोटिक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है बट आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो उतना ही रहता है इन विट्रो जब हम उसे चेक कर रहे होते हैं तो वो उतना ही रहता है दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट द एनवायरमेंटल कंडीशनस दे ऑल रिमेन कॉन्सटेंट बट यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक मे बी फ्रॉम जीरोजिक मैनर और उसमें से जो सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी जिस पर कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट हो जाएगी दैट विल बी दिनिम इनिबिट्री कॉन्सेंट्रेशन तो ये जब भी किसी लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है इसके दो मेथड्स हो सकते हैं एक मेथड है जिसमें कि आपने लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया और उसकी टर्बिडिटी देखी जा रही है जिस कॉन्सेंट्रेशन पर एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसी आएगी जिस पर वन स्टेप डाउन देयर विल बी ग्रोथ प्रेजेंट एंड वन स्टेप अबव देर विल नॉट बी एनी ग्रोथ सो दैट कॉन्सेंट्रेशन लोएस्ट वन जहां पर ग्रोथ नहीं है दैट विल बी द मिनिमम इनिबेटरी कॉन्सेंट्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर antibiotic for that particular microorganism. Okay. So we should first understand ki minimum inhibitory concentration is not about killing of bacteria, it is just inhibition of growth.

ब्रॉथ uh, में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो सारे किल हो गए और उसकी लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन तो अगर आपने किसी ब्रॉथ से किया हुआ है तो हम उससे सब कल्चर करके देखते हैं कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो तो नहीं कर रहा तो जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आती है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉन वायबल दैट इज मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटामिनम मिनिमम इनहबिटरी कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट मीन कि आपको ये पता चल गया कि वो पेशेंट पर ये वाली एंटीबायोटिक काम करेगी या नहीं करेगी हाउसो एवर लो द एम आई सी में भी और हाउसो एवर हाई द एम आई सी में भी बिकॉज फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो हाई एम आई सी है वो भी शायद ससेप्टिबिलिटी या विद डोसेज मॉडिफिकेशन ससेप्टिबिलिटी की रेंज में आ जाए और विद लो कॉन्सेंट्रेशन फॉर सम एंटीबायोटिक्स दैट एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके तो जब हम इसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी हम इन विट्रो अपना डेटा निकाल रहे हैं तो क्लिनिशियन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्लिनिशियन की अंडरस्टैंडिंग के लिए टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ब्रेक पॉइंट्स डिटर्मिन करती हैं तो वो जो ब्रेक पॉइंट होता है वो क्या होता है नाउ दैट ब्रेक पॉइंट इज दैट कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच

एम आई सीज़ कैलकुलेट की जाती हैं उन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की फिर उसके बाद में uh, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट फिर उसके बाद में जो क्लिनिकल आइसोलेट्स होते हैं उन क्लिनिकल आइसोलेट्स में जो एम आई सीज़ आ रही हैं उस एंटीबायोटिक की वो एम आई सीज़ देखी जाती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमुलेशन स्टडीज़ इधर इन विट्रो और मे बी इन एनिमल मॉडल्स ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के पी के पी डी पैरामीटर्स क्या हैं और ये जितने भी ट्रायल्स होते हैं उनमें जो रिस्पॉन्स रेट आया है उस पर्टिकुलर डोसेज uh, पर यूज़ करने के लिए उन सारी चीज़ों को अकोमलेट करके इंटरनेशनल एजेंसीज ये ब्रेक पॉइंट डिफाइन करती हैं जिसमें वो ये बताती हैं कि ये वाला पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एस चिरीचिया कोलाए एसचिरीचिया कोलाए विल बी सेंसिटिव टू मीरोपेनम इफ दी एम आई सी इज लेस देन इक्वल टू टू माइक्रोग्राम पर एम एल ओके तो ये अब ये जो इन्होंने ब्रेक पॉइंट दिया लेस देन इक्वल टू टू माइक्रोग्राम पर एम एल इस ब्रेक पॉइंट के नीचे

तो वो सेंसिटिव है इस ब्रेक पॉइंट के ऊपर आता है तो वो रेजिस्टेंट है सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि जब आपके पास में जो एम आई सी वैल्यूज आती हैं उनके बेसिस पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वाला एंटीबायोटिक बेटर होगा बिकॉज इसका एम आई सी कम है और ये वाला एंटीबायोटिक खराब होगा बिकॉज इसका एम आई सी ज़्यादा है बिकॉज कट ऑफ्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन या एम्पेसिलन या मे बी एमॉक्सीसिलिन क्लेवलिनिक एसिड स्टिफाइलोकॉकस ऑरियस के लिए जो उसका ब्रेक पॉइंट है वो टू है टू माइक्रोग्राम पर पैरामिल मतलब उसके नीचे है तभी वो सेंसिटिव है अदरवाइज वो नहीं है बट अगर मैं स्ट्रिप्टोकॉकस ग्रुप करूंगी तो वो लेस देन पॉइंट जीरो जीरो टू है Streptococcus निमोनिया अगर आएगा तो वो लेस देन पॉइंट जीरो जीरो टू है तो पॉइंट जीरो जीरो टू माइक्रोग्राम पर एमएल से अगर वो नीचे है तो वो सेंसिटिव है पर जैसे ही वो उसके ऊपर होता है वैसे ही वो रेजिस्टेंट हो जाता है तो एक चीज जो ये समझनी है कि एम आई सी अलोन इज नॉट द फैक्टर फॉर गिविंग यू कि ये वाला पर्टिकुलर ड्रग विल भी इफेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल काउंट तो उसके साथ में एक जो जनरल प्रैक्टिस है या जो कॉमनली इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती है वो होती है यू शुड अंडरस्टैंड कि Uh, the interpretation of s and r must be given on the basis of breakpoints or a continuously evolving process every year we receive a guideline either from clsi which is an agency in usa clinical laboratory standards institute and there is an agency in europe which is ucast european committee for antimicrobial susceptibility testing every year they revise guidelines like फॉर सालमोन एला पहले जो एम आई सी था टू रिपोर्टिंग सिप्रोफ्लॉक्सिन एज सेंसिटिव दैट वॉज रिड्यूस्ड टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री दिस ईयर बिकॉज वट दे सॉ कि वो जो सिप्रोफ्लॉक्सोसिन के सेंसिटिव के बेसिस पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता था उनमें वो नहीं आता था। सो व्हाट दे पॉपुलेशन इन विच टाइफाइड वॉज साल्मोनेला टाइफी वॉज आइसोलेटेड कि ये वाला जो हमारा ब्रेक पॉइंट है इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड विद द पॉपुलेशन सो दे डिक्लाइन द ब्रेक पॉइंट और उन्होंने कहा कि ये जब इससे नीचे हैं तभी आप अपनी स्टैंडर्ड डोज में जो एंटीबायोटिक दे रहे हो वो काम करेगी अगर आपको अपनी एंटीबायोटिक को अगर आपका बैक्टीरिया इससे ऊपर की एम आई सी में आए देन ईदर यू विल हैव टू चेंज द एंटीबायोटिक टू अ मोर ससेप्टेबल कैटेगरी और यू नीड टू इंक्रीज द डोज यू कैन इंक्रीज द डोज बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और मे बी बाय इंक्रीजिंग द डोज इट्स कीपिंग इन माइंड द टॉक्सिसिटी लेवल तो ये सारी चीज़ें उन गाइडलाइंस में इंप्लीमेंटेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी रिपोर्ट वेदर दी आइसोलेट इज सेंसिटिव और रेजिस्टेंट इनिशियली यू कास्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करता था और uh, एक एंटीबायोटिक है नाइट्रोफेरेंटोइन जो सभी को पता है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट में थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसकी होती है दैन सीरम और उसकी एफिकेसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ही है तो वहाँ पर उसकी इंटरमीडिएट कैटेगरी वेल डिफाइंड थी कि व्हेन यू गिव नाइट्रोफेरेंटोइन इन अ यूजुअल डोज स्टैंडर्ड डोज जो उसकी होती है इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर यूटीआई देन इवन इफ द आइसोलेट इज इंटरमीडिएटली सेंसिटिव यू विल रिसीव रिस्पॉन्स रेट बट फ्रॉम द इयर टू ऑनवर्ड्स अ न्यू कैटेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कास्ट विच इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरी इन स्ट एंड इट इज कॉल्ड ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट कैटेगरी इन सी एल एस आई सो वॉट डज दैट मीन इट ड इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है केवल इतना है कि हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिसमें हम सेंसिटिविटी की रेंज बताते हैं लेस देन इक्वल टू टू रेजिस्टेंट की रेंज बताते हैं मोर देन इक्वल टू एट तो बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन होती है फोर वाली है ना जो हम डबलिंग डाइल्यूशन में करेंगे या अगर कोई लेबोरेटरी कर पाती है कि वो बीच के भी एम चेक कर ले यहाँ पर आपके पास में उन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए ऑप्शन होती है कि आप अपनी डोज की फ्रीक्वेंसी या डोज का अमाउंट बढ़ा करके इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गैनिजम्स को टारगेट करें और अपना थेरेप्यूटिक सक्सेस रेट अचीव कर लें ऐसा नहीं है कि आप एम के बेसिस पर डोज की कैलकुलेशन नहीं कर सकते फॉर्मूलाज आर देयर जिसमें कि आप एम बेस्ड ऑन टी हाफ ऑफ द एंटीबायोटिक सी मैक्स अटेंड इन द बॉडी कि आपने जब पेशेंट को एंटीबायोटिक दी उसके बाद उसकी सिमुलेशन स्टडीज़ एनिमल मॉडल्स की सारी कुछ हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड डोज़ दिया है उससे कितना कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम जाएगा या उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का हाफ़ लाइफ कितना है या उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कितने टाइम अबव एम हमें रखना है जिससे कि हमें अच्छा थेरेप्यूटिक सक्सेस मिल जाए तो उनसे मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट द डोसेज है ना बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी टू टेस्ट एम आई सी ऑन बेसिस कि आप मेरे से ये कहें कि 0.5 भी चेक होगा 0.25 भी चेक होगा और सारी एंटीबायोटिक्स का चेक होगा तो यूजुअली जो प्रैक्टिकली किया जाता है हर एक माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में कि जो क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे मेरोपेनम है अर्टापेनम है इमीपेनम है इनकी पाँच से छः कॉन्सेंट्रेशन चेक होती हैं और उन फाइव और सिक्स कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर मैंने इंटरमीडिएट या सेंसिटिव भी रिपोर्ट किया है और एक आपका पेशेंट है मेरोपेनम का जिसकी कि एमआईसी रिपोर्टेड है वन माइक्रोग्राम पर एमएल दूसरा मेरोपेनम का पेशेंट है जिसमें आपकी एमआईसी रिपोर्टेड है टू माइक्रोग्राम पर एमएल तो आप उसमें बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ ये सोच सकते हैं कि ये वाले पेशेंट का क्या मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ या मैं इसकी डोज बढ़ाऊं जिससे मुझे थेरेप्यूटिक सक्सेस मिले बिकॉज मेरोपेनम इज़ कंपेरेबल विद मेरोपेनम ओनली यू कैन नॉट कंपेयर एम आई सी ऑफ मेरोपेनम विद एम आई सी ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सोसिन बिकॉज कट ऑफ जो है उसका या ब्रेक पॉइंट जो उसका है वो बिल्कुल अलग है सो so, एक चीज़ जो मैं इस क्लास में सबको बताना चाहती थी वो ये थी कि इस तरह की टेबल्स माइक्रोबाइलिस्ट के पास में अवेलेबल होती हैं जो आप लोगों को भी अवेलेबल कराई जा सकती हैं इसमें दिया हुआ होता है एक स्टैंडर्ड डोसेज और एक हाई डोसेज है ना दिस स्टैंडर्ड डोसेज का मतलब ये है कि जब मैंने सेंसिटिव रिपोर्ट किया है दैट मीन्स वो जो ब्रेक पॉइंट है वो इस डोज रजीम के हिसाब से डिफाइंड है अगर मैंने सेंसिटिव रिपोर्ट किया है मतलब आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या ये टेबल में आपके पास में छोड़ के जा सकती हूँ अगर मैंने सेंसिटिव रिपोर्ट किया है दैट मीन्स कि आप अगर ये वाला डोज यूज कर रहे हो तो आपका माइक्रो ऑर्गैनिज्म विल बी मतलब इसमें सक्सेस रेट इज रियली वेरी हाई पर अगर मैंने इंटरमीडिएट रिपोर्ट किया है तो उस केस में आपको ये वाला हाई डोज रेजीम यूज करना होगा दिस इज नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है क्योंकि यहां पर बहुत सारा डेटा है जो इन विट्रो होता है बहुत सारा डेटा है जो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पर होता है बट फिर भी ये डेटा पिछले 30-35 सालों से लगातार अपडेट होता है हर साल अपडेट होता है और इसी से हम ये डिसाइड करते हैं जब हम सेंसिटिव दे रहे होते हैं इसका मतलब आप स्टैंडर्ड डोज जो दोगे वो काम करेगी बट स्टैंडर्ड डोज फॉर वन आई सी यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड डोज बींग गिवन इन एनी अदर आई सी यू है ना तो उस केस में ये है वो स्टैंडर्ड डोज जो उन उस एजेंसी ने पर्टिकुलर एजेंसी ने डिफाइन कर रखी है कि अगर आप एंटीबायोटिक इस डोज पर यूज कर रहे हो तो हमारे ब्रेक पॉइंट के हिसाब से पेशेंट ससेप्टेबल का मतलब है आप ये वाला डोज यूज कर रहे हो इसका पर्पज़ ये भी है कि किसी भी पेशेंट में सब ऑप्टिमल डोजिंग ना हो तो अगर मैंने सेंसिटिव दिया है और आप कुछ कम डोज यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर वो डोज अलग लिखी हुई है तो फिर उस केस में पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं आएगा बिकॉज उसको सब ऑप्टिमल मिलेगी ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोलेस्टिन कोलेस्टिन 2021 के पहले लेस देन इक्वल टू टू एम पर सेंसिटिव रिपोर्ट की जाती थी अभी हम उसको लेस देन इक्वल टू टू पर इंटरमीडिएट रिपोर्ट करते हैं वाई बिकॉज जैसे जैसे कंपनीज के पास में डेटा बढ़ा जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं डेटा बढ़ा तो उन्होंने ये देखा जो वाइल्ड टाइप पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की और जो हम कोलेस्टिन का ड्रग लेवल अचीव करते हैं बॉडी में बिकॉज इट इज मेटाबोलाइज्ड वेरी हैविली और वो किडनी के थ्रू ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाती है तो जो आप कॉन्सेंट्रेशन अचीव करते हो वो कभी भी 2.2 माइक्रोग्राम पर एमएल से ज़्यादा होती ही नहीं है इन एनी पेशेंट जिसमें कि किडनी उसकी नॉर्मल काम कर रही हो और उससे ज़्यादा अगर आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो वो इतनी टॉक्सिक होती है कि वो पेशेंट uh, ले नहीं सकता तो अब क्या है गाइडलाइंस के हिसाब से देयर इज नो कैटेगरी लाइक सेंसिटिव इन केस ऑफ कोलेस्टिन बी इट एंटेटी बी इट बी इट एसिनेटोबैक्टर तो जब भी आपको कोलेस्टिन यूज करनी है आपको हाई डोज पर यूज करनी है जो इन्होंने दिया हुआ है कि आप नाइन मिलियन यूनिट्स लोडिंग दो देंगे और उसके बाद में आप 4.5 मिलियन यूनिट्स पर उसको सस्टेन करेंगे तो इन्होंने वो हाई डोज ही बना लिया है कि वो इंटरमीडिएट ही है तो अगर वो देन इक्वल टू टू है तो वो इंटरमीडिएट है जैसे ही वो फोर कैटेगरी है। है? ये नई डिफाइन की गई है या जो पुरानी थी जैसे यूकास ने एक्सेप्ट किया है ये कैटेगरी है कि आप इस कंपाउंड को या तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी पर यूज करें या इंक्रीज डोसेज पर यूज करें या थिंक ऑफ कम्बाइनिंग इट विथ सम अदर एंटीबायोटिक जो कि सेंसिटिव हो उस पर्टिकुलर एंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और जब आप उसे यूज करेंगे देन ओनली थेरेप्यूटिक सक्सेस विल बी गिवन विल बी सेड अदरवाइज देर इज नो पॉइंट हो सकता है कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट हो वो हाई ही रहे इसमें मैं ये पर्टिकुलरली ले करके आई थी टू शो यू द मेरोपेनम विच वी आर यूजिंग वेरी कॉमनली इन आर आई सी यू है ना एंड मैनी टाइम्स वी सी कि हमारा मेरोपेनम सेंसिटिव आता है सो वेन एवर वी आर गिविंग मेरोपेनम एज सेंसिटिव इट इज बेसिकली वन ग्राम एट आरली आई वी गिवेन ओवर थर्टी मिनट्स दिस दे आर दी स्टैंडर्ड डोज सो अगर आपके पास मेरोपेनम सेंसिटिव आती है और आप इस डोज पर यूज़ कर रहे हो देन चांसेज कि हाँ थेरेप्योटिक सक्सेस होगी इससे नीचे तो हमें यूज़ नहीं ही करनी चाहिए दूसरा जो इनकी हाई डोसेज है वो है टू ग्राम एट आवरली ओवर थ्री आवर्स कि एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन भी होगा और आपने डोज डबल कर दी है मैनजाइटिस में भी सिमिलरली टू ग्राम्स एट आवरली ओवर थर्टी मिनट्स और मे बी थ्री आवर्स तो इनकी हाई डोसेज इतनी भी है क्लिनिकली अगर आप किसी में हाई डोज यूज कर रहे हो और पेशेंट का कैटेगरी सेंसिटिव आती है देन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि हम उस पेशेंट का क्लिनिकली इवेलुएट करें और अगर हम उसे स्टैंडर्ड डोज पर मैनेज कर सकते हैं तो उस पर मैनेज करें बिकॉज अगेन दिस हाई डोज रेजीम इज़ यूजफुल फॉर केसेज जहाँ पर हमारे पास वो इंटरमीडिएट होगा या मे बी विद हाई एम आई सी होगा वहाँ पर हम अपनी हाई डोसेज को रेस्ट्रिक्टेड रखें जितना ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस uh, बढ़ता ही जाएगा रेजिस्टेंस इज़ अ फिना विच यू कैन नॉट स्टॉप है ना आप रोक नहीं सकते मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब पेनिसिलिन आई थी तो वो एक वंडर ड्रग थी और ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे लोग बचा लिए जाएंगे और देर ओ, कोई बैक्टीरिया होगा ही नहीं पर वो रेजिस्टेंट हो गई आज की तारीख में वो यूज़ नहीं की जाती अदर देन यू एनकाउंटर ऑफ यू केसेज ऑफ न्यूरोसिफिलिस वगैरह कभी कभी आ जाए तो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विल कीप ऑन डेवलपिंग हम उसे रोक नहीं सकते पर हाँ हम अपनी प्रैक्टिसेस बेटर कर सकते हैं सो so दैट वी कैन एटलीस्ट मिनिमाइज देअर स्प्रेड एंड वी डू नॉट एड टू द रेजिस्टेंस आपकी गलत एंटीबायोटिक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लाती है तो ये एक यू कास्ट की टेबल है जो कि हम फॉलो करते हैं और दूसरी टेबल है जो हम सी एल एस आई की फॉलो करते हैं जो यूएसए की टेबल है तो इन्होंने अभी कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं ऐड किए हैं जैसे कोलेस्ट्रेन प्रीवियसली वॉज नॉट देयर फॉर एंटीरोक्टेरियासी बट इन देयर न्यू गाइडलाइंस कोलेस्टिन इज देयर इन द देंटीरोक्टीरियासी एंड अगेन लेस देन इक्वल टू टू इज इंटरमीडिएट एंड मोर देन इक्वल टू फोर इज रेजिस्टेंट अब इसमें जैसे आप देखेंगे मेजोरिटी केसेस में ये आप देखें डॉक्टर साहब एक कैटेगरी है ससेप्टेबल की एक कैटेगरी है ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट की है ना तो मेजर कैटेगरी में जो ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट है वो सी की गाइडलाइन में है ही नहीं एक्सेप्ट अ फ्यू एंटीबायोटिक्स है ना ये काफी लंबी चौड़ी सी टेबल है फॉर ईच एंड एवरी एंटीबायोटिक ना इनकी 400 500 पेजेस की ये गाइडलाइन आती है जिसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया जब आ, रिपोर्ट करते हैं तो हम उसके हिसाब से उसमें देखते हैं अब जैसे यहां पर इन्होंने मेरोपेनम के लिए दिया हुआ है सेंसिटिव का जो ब्रेक uh, पॉइंट है इट इज़ टू माइक्रोग्राम पर एम रेजिस्टेंट का जो ब्रेक पॉइंट है इट इज़ एट माइक्रोग्राम पर एम तो यहाँ पर हमारे पास बीच में जो एक फोर so वाली जगह है वो होगी जो ससेप्टेबल डोज डिपेंडेंट है जहाँ पर आप अपने पेशेंट्स uh, को ट्रीट कर सकते हैं ऑन हाई डोज राधर देन यूजिंग द स्टैंडर्ड डोज बट अगर रिपोर्टिंग हो रही है लेस देन इक्वल टू टू देन प्लीज यूज़ द स्टैंडर्ड डोज रिजीम